गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो जूनियर स्टूडेंट 2019 का रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, प्लस उसके फाइनल कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या रहने वाला है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, पर उस वीडियो को काफी स्टूडेंट्स को नहीं एकदम क्लियर हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि चलो इस बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर उसमें आपने क्लियर नहीं किया, फैक्टों के साथ आप बताइए। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जूनियर स्टूडेंट की पहली जितनी भर्तियां होती थी, चाहे 16 की हो या 17 की हो या 18 की हो, 18 का तो पता नहीं, 16 17 15 16 17, इसकी जितनी वैकेंसियां थी, निगेटिव मार्किंग नहीं थी उसमें। निगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था कि कट ऑफ बढ़ने के चांस रहते थे। कट ऑफ मतलब बढ़ने बढ़ भी जाती थी, ऐसा नहीं है कि अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो ऑलमोस्ट 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो। पर आपको जब से निगेटिव मार्किंग आई है, इसके वजह से क्या होता है कि आप जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, आप उन्हीं का आंसर देना चाहते हो या पसंद करते हो कि हाँ उतने ही लूँ क्योंकि मेरे निगेटिव होंगे, अगर मेरा गलत हो गया तो मैं निगेटिव में पहुंचूंगा, तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो। तो इसीलिए आजकल स्टूडेंट्स निगेटिव मार्किंग को बहुत ज़्यादा मतलब देख करके अपने मार्क, जो अपने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब लिमिटेड करते हैं जो करेक्ट ही हों। हालांकि 50-50 वाले कर भी देते हैं अटैम्प्ट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव मार्किंग का प्रभाव देखने को मिलता है जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, हालांकि जो हो रखी हैं उन पर भी तो निगेटिव मार्किंग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जूनियर स्टूडेंट 2019 के लिए जैसा पेपर आया था, पेपर का जैसा आपने मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल में आपका हिंदी 60 मार्क्स की, जीके 40 मार्क्स की, ये मैंने डेटा बना रखा है आपको बताने के लिए एनालिसिस करके। तो हिंदी 60 मार्क्स की आई थी, जीके 40 मार्क्स का आया था और आपका रीजनिंग 30 मार्क्स की आई थी। देखिए एक एवरेज स्कोर, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर रहता है वो क्या रहता है, हिंदी में ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। आपको पता होगा 130 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आधे नंबर का था, यानी 130 क्वेश्चन का मतलब है जस्ट हाफ, यानी कि 65 मार्क्स का पेपर था। और उसमें से आपकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए हिंदी का जैसे मैंने बताया 60 क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चन आपने जनरली अटेम्प्ट किए ही होंगे, तो आपका जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो 50-55 तक कर लिया होगा अटेम्प्ट, बट 40 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज ले लिया गया होगा, यानी 40 क्वेश्चन इफेक्ट के साथ बता रहा हूँ आपको। अब जीके 40, जीके का देखिए किसी का भी स्कोर 50% कर ले तो बहुत बड़ी बात जाती है, यानी 40 में से कोई 20 क्वेश्चन कर लेता है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। हालांकि इससे कोई ऊपर भी स्कोर करते हैं स्टूडेंट, पर जीके में अगर कोई 50% स्कोर भी कर रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो जीके के 40 में से 20 और हिंदी के 60 में से 40, टोटल 60 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिए अब तक। ऐसे रीजनिंग के 30 में से, देखिए रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, पर कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि रीजनिंग डिफिकल्ट आ रही है, तो मान के चलते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन आप एवरेज बना लोगे, 20 से 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बना लोगे, ठीक है, आराम से 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में बन जाते हैं। तो देखा जाए तो 80 से 85 क्वेश्चन आपने बनाए 130 क्वेश्चन में से, अगर उसका मैं हाफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 42.5 आ जाएगा। तो ये एक ऑन एन एवरेज स्कोर है। अब इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट या फिर आपके एससी के एसटी के फीमेल कैंडिडेट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ जाती है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, भले वो 10 times लें, 5 times लें, या 10 गुना, 5 गुना, या 15 या 20 गुना, जितने भी ले रहे हैं, ठीक है, तो कट ऑफ उसी के कारण वेरी करती है। देखिए जो कट ऑफ डिपेंड करती है आपका क्वेश्चन पेपर कैसा था, और डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट थे, प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए थे। कट ऑफ किसी एक चीज से या किसी एक दो स्टूडेंट के लिए करनी नहीं बनती है। सबसे पहली बात कि पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, इजी था कि डिफिकल्ट था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 1000 है, 2000 है, कितनी वैकेंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ। फिर तीसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना अपियर हुए, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के। और फिर चौथा फैक्टर जो आयोग की तरफ से क्या होता है कि इतने गुना बच्चे लिए जाएंगे, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, अगर उतने गुना जितने ज्यादा गुना लिए जाएंगे कट ऑफ उतनी नीचे जाएगी, जितने कम गुना लिए जाएंगे कट ऑफ उतनी ऊपर जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने कट ऑफ बता दिया, जैसा कि मैंने स्कोर बताया था कि ये स्कोर जनरली आपने किया होगा। अगर ये स्कोर आपने किया होगा तो देखिए आपने ऑन एन एवरेज 40 प्लस अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब 40 मार्क्स प्लस आपके आ जाएंगे, यानी कि आपने 80 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक है, यानी कि 40 प्लस आपके मार्क्स ठीक है। तो अब देखिए कैटेगरी वाइज आपकी क्या है, कट ऑफ भी जाएगी, सीधी सी बात है। तो कट ऑफ का जो सीन रहने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कि यूआर की जो कट ऑफ है ये 40 प्लस माइनस 3 हो सकती है, यानी कि देखिए
वैसे तो प्लस माइनस को लेना यहाँ सही नहीं है, मैं एक स्लॉट ले लेता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा, एक स्लॉट ले लेता हूँ आसान आपके रहेगा। 40 से 40 मतलब 40 से 43, 40 से 43 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो ये सेफ स्कोर होगा, कट ऑफ क्लियर कर लेगा। क्यों करेगा? मैंने बताया निगेटिव मार्किंग का असर पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ डाउन साइड रहेगी। जब भी जिस जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स? ये फैक्ट के साथ है, कोई भी एग्जाम उठा लो, जो चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, ठीक है? कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी, कि अगर निगेटिव मार्किंग दे रखी है 1/3 है, या आपकी 1/2 है, या 1/4 है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और बाकी सारे फैक्टर जो होते हैं सारे अफेक्ट करते हैं अपनी कट ऑफ को। तो वही मैं बता रहा था, जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, 40 से 43 के बीच में। ओबीसी कट ऑफ रहेगी 38 से 41 के बीच में, 38 से 41 के बीच में। और एससी की 35 से लेकर के 38 के बीच में, 35 से लेकर के 38 के बीच में। और एसटी की रहने वाली है आपकी 32 से लेकर के 35 के बीच में, 32 से लेकर के 35 के बीच में। और जो आपकी फीमेल की है वो भी यही रहने वाली है करीब, ये आपकी 35 से 35, 36 से लेकर के 37, 38 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये कट ऑफ रहने वाली है। देखिए जैसा कि ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है, ये एक्सपेक्टेड है, जैसा आपका डेटा मैंने आपके साथ में एनालिसिस, मतलब जैसा आपके रेस्पॉन्स मिला और जो कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज करके आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कुछ को ये बुरा लगा हो या कुछ को ये लगा हो कि नहीं इतनी नहीं जाएगी, तो वो कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये एक मेरा ओपिनियन था जो मैंने आपको अपनी साइड से बताया है, आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक या डिसलाइक करके जाएं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा कि आगे वीडियोस बनाएं। और जो ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दिया हुआ उसको प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।